तो हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है। गाइस, ये जो वीडियो है ये उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी है और बेहद खास होने वाली है जो कि कक्षा 11वीं में प्रवेश लेने जा रहे हैं, प्रवेश ले चुके हैं। सो गाइस, आप सभी ने चाहे कोई सा भी विषय लिया हो, आपके लिए हिंदी विषय तो रहेगा, यानी कि हिंदी तो आपको सब्को पढ़ना पड़ेगा, नहीं हिंदी सब्जेक्ट वो आपके लिए कॉमन है, ठीक है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन क्या करने वाले हैं ना, कक्षा ग्यारहवीं में आपका जो हिंदी सब्जेक्ट, हिंदी विषय है, कौन सा विषय है, हिंदी, जो कि अपनी मातृभाषा है, इसका अपन क्या देखने वाले हैं, ब्लूप्रिंट देखने वाले, ठीक है, ब्लूप्रिंट। और कब का ब्लूप्रिंट, मैं आपको ये बताया था 2023 का, 2023-24 जोड़ो आप तो, ठीक है, कि 2023 में जो आपका पेपर होने वाला है ना, उसके लिए ये ब्लूप्रिंट उपयोगी है, ठीक है गाइस। तो इस वीडियो में आपको ब्लूप्रिंट तो पता ही जाएगा, साथ ही साथ अगर कोई ऐसा पाठ्यक्रम है, कोई ऐसे पार्ट है, ऐसे चैप्टर है, या कुछ चैप्टर में कुछ नया बदलाव किया गया है, कुछ ऐड किया गया है, तो वो भी बताया जाएगा, यानी कि नया सिलेबस भी आपको दिखाया जाएगा, नया पाठ्यक्रम, ठीक है, नया पाठ्यक्रम भी आपको दिखाया जाएगा, यानी वो है ना। और एक और चीज़ आपको दिखाई जाएगी, रिड्यूस सिलेबस, यानी कि कम किया गया पाठ्यक्रम भी आपको बताया जाएगा, कम किया गया पाठ्यक्रम, ठीक है, कम किया गया पाठ्यक्रम जो है वो भी आपको बताया जाएगा, सारा कुछ स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा। सो गाइस, आपको करना क्या है, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हो सके तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस चैनल पर PCM के जो भी स्टूडेंट है, PCM भी यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, हिंदी में बोलूँ तो रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान और गणित, इन सभी के जो छात्र छात्राएं हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नीचे रेड बटन है, रेड बटन इस साइड पे या इस साइड पे मिल जाएगा, फटाफट से उसको दबा दो और दबा के सब्सक्राइब कर दो, घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर लो। इससे होगा कि मैं जो भी वीडियो डालूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँचते रहेगी और आप अच्छे से अपनी स्टडी जारी रख सकते हो, ठीक है। सो चलिए गाइस, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें, आपके कमेंट पर ही वीडियो बनाई जाएगी, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आप सभी यहां पर देख सकते हो, कक्षा 11वीं विषय हिंदी यहाँ पर देख सकते हो, समय यहाँ पर है और पूर्णांक यहाँ पर है। हिंदी का जो आपका पेपर होने वाला है उसका पूर्णांक सेम रहेगा पहले की तरह ही, यानी कि 10वीं में जो आपका था 80 नंबर का ही रहने वाला है, 11वीं की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप यहाँ पर देखिएगा, अच्छे से समझते हो चलना, आपको ऐसा नहीं कैसा कैसे लिख ले, वरना अगर आपका एक भी बात अगर समझ में नहीं आया तो आप क्या होगा, आपका अंक कट जाएगा। और मैं आपको बता दूं, मेरे क्लास 10th में सबसे हाईएस्ट जो नंबर रहे वो ज़्यादातर जो रहे वो हिंदी में ही रहे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला जो क्रमांक है अपना, इसमें आ रहा अपना आरोह भाग एक, ठीक है ना, आरोह भाग एक यानी कि काव्यखंड। इस काव्यखंड में क्या क्या चीज़ें वो देखिए, सबसे पहली चीज़ है काव्यखंड में पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ। पद्य साहित्य जो आपका, पद्य साहित्य, देखिए साहित्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो गद्य खंड है ना, एक तो गद्य साहित्य और एक पद्य साहित्य। तो यहाँ पर पद्य साहित्य की बात हो रही है, पद्य साहित्य का इतिहास आपको पढ़ना है और इसकी प्रवृत्तियाँ पढ़नी है। दूसरी चीज़ आपको इसमें पढ़नी है वो है कवि का परिचय, कवि परिचय है ना कवि परिचय वो आपको पढ़ना है, जैसे कि कवि कालिदास है ना, ऐसे बहुत सारे जो कवि है उनका परिचय, ठीक है ना। और भावार्थ, फिर उसके बाद क्या रहा, तीसरी चीज़ भावार्थ। भावार्थ यानी कि जैसे संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, भावार्थ हो गया, काव्य सौंदर्य हो गया, है ना, कि भैया इसका भावार्थ सहित संदर्भ प्रसंग लिखी है, वो वाला होता है ना, वो सिस्टम है, ठीक है। उसके बाद चौथा अपना काव्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित प्रश्न, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं इकाई पर आवंटित, यानी कि ये चार चीज़ें जो है ये टोटल कितने नंबर की रहने वाली है, 17 अंक की रहने वाली है। ये चार चीज़ें पद्य साहित्य का इतिहास एवं प्रवृत्तियाँ, कवि परिचय, भावार्थ है ना, सौंदर्य बोध, भाव एवं विषय वस्तु आधारित, जो ये चारों जो चीज़ें हैं, यानी कि आरोह भाग एक जो है अपना काव्य खंड, ये आने वाला टोटल आपका 17 अंकों का, ठीक है। अगर आपने ये पढ़ लिया तो आपके 17 अंक पक्के, ठीक है ना। अब इसमें से आपको किस किस प्रकार से पूछा जाएगा वो देखिए। सबसे पहला अगर एक अंक वाले अगर हम देखें तो 6 अंक के ऐसे प्रश्न रहेंगे, यानी कि 6 प्रश्न ऐसे निकालेंगे इनमें से ही, इन्हीं में से, कि भैया वो क्या बनेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेंगे, ठीक है। और 2 प्रश्न 2 अंक वाले निकाले जाएंगे, दो इनमें से 2 प्रश्न जो निकलेंगे वो निकलेंगे 2-2 अंक वाले, ठीक है। और 3 अंक वाले जो प्रश्न निकलने वाले इनमें से, किस में से, आरोह भाग में से, वो बनेगा 1, और 4 अंक वाला भी कितना बनेगा, 1, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है।
तो टोटल अगर हम इस आरोह भाग एक में यानी कि काव्य खंड के अगर टोटल प्रश्नों की बात करें तो वो रहेंगे चार, यानी कि यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऐड नहीं होंगे, यहाँ पर चार होंगे, यानी कि दो अंक वाले दो और तीन अंक वाला एक, यानी कि तीन हो गया और एक ये चार, चार प्रश्न हो गए अपने, कुल प्रश्नों की संख्या कितनी होगी चार, ठीक है। तो इसको अच्छे से नोट कर ले इस प्रकार से, ठीक है। चलिए उसके बाद नंबर दो पर आता है काव्य बोध। क्या आता है? काव्य बोध। काव्य बोध में क्या क्या चीज़ें अपनी, सबसे पहले काव्य के भेद है, जिसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, प्रबंध काव्य पढ़ना है, मुक्तक काव्य पढ़ना है, प्रबंध और मुक्तक काव्य के क्या पढ़ना है आपको, भेद पढ़ने हैं और उदाहरण पढ़ने हैं, इसकी परिभाषा नहीं पढ़नी आपको। देख सकते हो यहाँ पर परिभाषा का नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी आपको परिभाषा पढ़ लेना है, ठीक है, क्योंकि हो सकता है भाई आप पूछ ले, ठीक है। उसके बाद दूसरा नंबर पर रस। रस में आपको क्या पढ़ना है, रस का परिचय है ना, परिचय में क्या क्या पढ़ोगे, जैसे परिभाषा हो गई, उसके अंग हो गए, उसके प्रकार हो गए और उदाहरण हो गए, ये आपको पढ़ना है रस के बारे में। तीसरे नंबर पर आपको पढ़ना है क्या, अलंकार। अलंकार का में क्या पढ़ना है, परिचय एवं प्रकार, यानी कि और इसमें से कौन कौन से अलंकार, देखिए एक तो हो गया वक्रोक्ति, एक हो गया दृष्टांत और उदाहरण एवं विशेषोक्ति अलंकार, ये तीनों अलंकार आपको पढ़ना है और कोई नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। उसके बाद आपको पढ़ना है छंद। छंद में क्या क्या, एक छंद में एक तो परिचय पढ़ लेना और एक प्रकार पढ़ लेना, और छंद कौन कौन से, तो रोला और मुक्तक छंद पढ़ना है, बस दोनों छंद पढ़ने, इन दोनों में से बाहर नहीं आएगा, ठीक है ना। और तीस और अगली नंबर जो चीज़ अपना वो है गज़ल। गज़ल है ना, गज़ल यानी कि शायरी वगैरह जैसी चीज़ें है जो जो कि होती है, गज़ल, गज़ल भी बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, तो गज़ल भी पढ़ना है। उसके बाद शब्द शक्ति, यानी कि शब्द शक्ति में क्या क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय और प्रकार, ये दोनों चीज़ें पढ़ना है। और एक और है शब्द गुण। शब्द गुण में क्या पढ़ेंगे, इसका परिचय और प्रकार। फिर पढ़ेंगे बिंब विधान, ठीक है ना। तो ये सारी की सारी चीज़ें अगर आपने पढ़ ली तो ये दो नंबर का जो अपना काव्य बोध, ये आएगा आपको टोटल नौ नंबर का, नौ अंक का आने वाला है, जिसमें से अपना एक एक अंक वाला जो प्रश्न रहने वाला है वो रहने वाले पाँच पाँच वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकलेंगे इसमें से, और दो प्रश्न कितने अंक के निकलेंगे, दो दो अंक के, दो दो अंक के दो प्रश्न निकाले जाएंगे और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो दो हो जाएंगे, यानी कि कुल प्रश्न की हम बात करें काव्य बोध से तो वो हो जाएगा अपना दो, ठीक है ना। इसको अच्छे से उतार ले, इतना इतना देख सकते हो, इतना इतना समझ लिया अच्छे से। चलिए आगे देखिए, अब आगे आता है यहाँ पर आरोह भाग तीन, है ना, आरोह भाग तीन नहीं भैया, क्रमांक तीन है, आरोह भाग एक ही, अभी गद्य खंड के बारे में हम चर्चा करेंगे। गद्य खंड में आपको क्या पढ़ना है, गद्य साहित्य का इतिहास है ना, विकास क्रम, प्रवृत्तियाँ एवं गद्य की विधाएँ, ठीक है, जिसमें कहानी, संस्मरण, व्यंग्यात्मक निबंध और एकांकी शामिल है, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा लेखक परिचय इसमें पढ़ना है, और व्याख्या पढ़ना है, व्याख्या में क्या क्या, संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या और विशेषताएं, यानी कि काव्य नहीं, विशेषता इसमें आएगा, गद्य है ना, काव्य सौंदर्य नहीं, गद्य सौंदर्य, ठीक है ना। उसके बाद है विषय वस्तु एवं विचार बोध पर आधारित प्रश्न, विचार बोध पर आधारित प्रश्न, तो ये रहेंगे आपका, ये टोटल रहेगा आपका 17 अंक का, जिसमें से 6 आएंगे आपके एक एक अंक वाले क्वेश्चन, दो अंक वाले जो क्वेश्चन है वो आएंगे दो, और तीन अंक वाले जो क्वेश्चन है वो आएगा एक, चार अंक वाला आएगा एक, है ना, नहीं नहीं तीन अंक वाला आपका एक आने वाला है ना, तीन अंक का भी एक आएगा, चार अंक का भी एक आएगा, पांच अंक का नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा चार, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर ले, इतना इतना तीनों को देख सकते, तीनों को मैंने अच्छे से समझा दिया, तीनों को अच्छे से नोट कर ले। अब चलिए चौथा हम पढ़ते हैं, चौथा यहाँ पर है भाषा बोध, है ना, इसके नीचे भी और है, ये यहीं से वीडियो छोड़ कर ना जाए। भाषा बोध में क्या आपको शब्द पढ़ना है, शब्द में क्या, क्षेत्रीय, तकनीकी एवं निपात शब्द, ठीक है ना। कक्षा दसवीं में आपने एक ही प्रकार का शब्द पढ़ा है, निपात शब्द, है ना, लेकिन अब दो शब्द और ऐड हुए, पहला क्षेत्रीय, दूसरा है तकनीकी, ठीक है। और दूसरा आपको पढ़ना है शब्द युग्म एवं उनके प्रकार, फिर पढ़ना है वाच्य परिचय एवं प्रकार, उसके अर्थ एवं रचना के आधार पर, ठीक है ना। और अगली चीज़ पढ़नी है वाक्य शुद्धिकरण एवं वाच्य परिवर्तन, ठीक है ना। अगला पढ़ना है मुहावरे एवं लोकोक्तियाँ। अगला पढ़ना है राजभाषा और राष्ट्रभाषा, है ना। राजभाषा क्या, अपनी राजभाषा है हिंदी ज़्यादातर, ठीक है ना। राजभाषा कौन सी, हिंदी है ना। और राष्ट्रभाषा कौन सी अपनी, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रभाषा अपनी क्या है, ये भी भैया हिंदी होगी, ठीक है ना, हिंदी, क्योंकि भैया जो अंग्रेजी है वो तो है, कौन सी है भैया, देश दे, वो तो भैया पूरी मतलब संसार की, मतलब बोलो तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और उसके बाद अगली चीज़ जो पढ़नी है वो पढ़नी है भाव पल्लवम, है ना, भाव पल्लवन, सार संक्षेपण और विज्ञापन लेखन, संवाद लेखन एवं अनुच्छेद लेखन, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें, ये भाषा बोध, इनमें से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने बनेंगे, सॉरी नंबर ऑफ क्वेश्चन नहीं, टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे, टोटल क्वेश्चन सॉरी
कितने अंक आएंगे भाषाबोध के, भाषाबोध के आपके टोटल 12 अंक के बनने वाले, 12 अंक का ये भाषाबोध रहेगा, जिसमें से आपके 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जिसमें से 2-2 अंक वाले 2 क्वेश्चन आएंगे, 3 अंक वाला 1 क्वेश्चन आएगा, 4 अंक वाला नहीं आएगा, 5 अंक वाला नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे आपके 3, यानी कि प्रश्नों की संख्या रहेगी टोटल इसमें से 3, ठीक है ना। इसको भी अच्छे से नोट कर ले, इतना मैंने पढ़ा चुका हूँ, अच्छा समझा चुका हूँ। चलिए इसके बाद अगला बात करते हैं। देखिए अब आता है अपना पांचवा क्या, अपना पांचवा है वितान भाग एक, जिसमें से अपना पूरक पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न होंगे। पूरक पाठ्य पुस्तक जो, इससे आपको 7 अंक के क्वेश्चन आएंगे, है ना। 5 वस्तुनिष्ठ रहेगा, 1-2 अंक का रहेगा, बस नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो 1 रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद अगला अपना क्रमांक 6 पर क्या है, अभिव्यक्ति और माध्यम पाठ्य पुस्तक पर आधारित प्रश्न। अभिव्यक्ति और माध्यम जो है ना, उसमें से आएगा 7 अंक का, जिसमें 5 वस्तुनिष्ठ रहेंगे, 1-2 अंक का रहेगा, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहेंगे, 1, ठीक है। अगले जो है वो है अवघटित बोध, यानी कि जैसे गद्यांश हो गया, काव्यांश हो गया, इस पर आधारित जो प्रश्न है वो रहेंगे 3 अंक के, जिसमें से 1 ही आ जाएगा 3 अंक का, ठीक है ना। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 1, ठीक है ना। पत्र लेखन जो रहेगा वो रहेगा, पत्र लेखन यानी कि 2 प्रकार के होते हैं, एक अनौपचारिक और एक औपचारिक। संबंधित जो पत्र लेखन रहे वो 4 है, यानी कि 4 नंबर का एक ही अनल है, यानी कि आपको जो पत्र लिखना पड़ेगा आवेदन पत्र, वो रहेगा 4 नंबर का। या फिर शादी के लिए जो आवेदन पत्र रहता है कि भैया उसको इन्वाइट कीजिए, उसको बुलाइए, तो वो भी एक नंबर का आएगा, ठीक है ना। एक नंबर का नहीं भैया, 4 नंबर का, ठीक है ना, 5 नंबर का नहीं आएगा। चलिए निबंध लेखन की अगर हम बात करें तो ये रूपरेखा सहित जो अगर हम जोड़े तो 4 अंक का ही आने वाला है ना। पहले कितने का आया था अपना 10वीं में, पहले आया था अपना 10वीं में 6-7 अंक का, क्योंकि भैया रूपरेखा अलग से आई थी उसमें, ठीक है ना। इसलिए निबंध के थोड़े अंक कट गए हैं यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर इतना चूज़ कर लिया। यहाँ पर आप अगर हम टोटल नंबर ऑफ, है ना, कुल योग करें पर हम, है ना कैलकुलेशन करेंगे, तो यहाँ पर 80 अंक का आपका पेपर रहेगा, 32 ऑब्जेक्टिव रहने वाले, 2 अंक के क्वेश्चन 20 रहने वाले हैं, 3 अंक के क्वेश्चन आपके 12 रहने वाले हैं, 4 अंक के क्वेश्चन आपके कितने रहने वाले हैं, मतलब 4 अंक के क्वेश्चन 4 अंक आप करेंगे 16, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर दिया गया है सारा कुछ, ठीक है। ये आप अच्छे से देख ले, और निर्देश यहाँ पर आप अच्छे से देख ले। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे 40%, विषय पूरक प्रश्न रहेंगे आपको 40%, और विश्लेषणात्मक प्रश्न रहेंगे आपके 20%, यानी कि 20%, ठीक है ना। अब देखिए प्रश्न क्रमांक 1-5 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें सही विकल्प आपके 6 अंक के रहेंगे, 6 अंक के क्या रहेंगे, 6 विकल्प रहेंगे, और 7 रिक्त स्थान रहेंगे, सही जोड़ी रहेगी आपकी 7 अंक की। एक वाक्य रहे, एक शब्द में, एक वाक्य में उत्तर वाले 7 रहेंगे, सत्य असत्य 6 रहेंगे, ठीक है ना, देख सकते हो। उसके बाद वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी जो प्रश्न आने वाले उसमें से आपको क्या रहेगा ना, समान इकाई या उन इकाई से तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे, ठीक है ना। देख सकते हैं यहाँ पर शब्द सीमा 2 अंक वालों के लिए 30 शब्द, 3 अंक वालों के लिए 75, 4 अंक वालों के लिए 120, यानी कि 5 अंक वाला यहाँ पर दिया नहीं गया, शायद 5 अंक का एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला। देख सकते हो हिंदी में 5 अंक का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये बात ध्यान रख ले, ठीक है ना। 5 अंक का नहीं आने वाला है, सिर्फ और सिर्फ हिंदी में। अब देखिए यहाँ पर आपका पैटर्न देख लो आप, कठिनाई का स्तर रहने वाला आपका 40%, और सरलता का प्रतिशत रहने वाला 45%, और यहाँ पर नहीं, सामान्य रहने वाला 45, सरल रहने वाला 40, और कठिनाई का रहेगा 15%, ठीक है ना। इसको आप अच्छे से नोट कर ले, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है पढ़ना, ठीक है ना। चलिए अब अगली बात करते हैं अपन। अगली क्या है, पाठ्यक्रम से हटाए गए विषय वस्तु। सबसे पहले यहाँ पर आप देख ले आरोह भाग एक से क्या क्या हटाया गया है। काव्यखंड में से यही हटा दिया गया है, जैसे कबीर के पद 2, है ना, संतो देखत जग बोराना, ये जो हटा दिया गया है। दूसरा मीरा पद 2, है ना, ये क्या, ये है पग घुंगरू बांधी मीरा नाची, ठीक है ना। उसके बाद है राम नरेश त्रिपाठी, ये पथित जो है पूरा पाठ हटा दिया गया है। और सुमित्रा नंदन पंत जो है वे आंखें, ये पूरा पाठ हटा दिया गया है। गद्यखंड जो अपना, इसमें से देखिए कृष्णनाथ जो अपना स्पीति में बारिश है, पूरा पाठ हटा दिया गया है। सेद हैदर है रजा आत्मा का ताप, पूरा पाठ हटा दिया गया है, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं अपन। तो यहीं तक है आपका हिंदी में, हिंदी में आपकी और कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से देख ले, एक इसका स्क्रीनशॉट ले ले फटाफट से, ठीक है ना। समझ आया तो मैंने दिया गया है ना, अगर समझ नहीं आया तो फिर से वीडियो को देख सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और बायोलॉजी की आपको वीडियो यहाँ पर उपलब्ध होंगी, ठीक है ना। इन सभी का आपको क्या लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है, ठीक है ना। मैं आपको अच्छे से दिखा रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत।